वही जितना मेरे ख्याल से तो आपको पता है उतना ही मुझे भी पता है। जहाँ तक मुझे पता है कि स्क्रिप्ट का काम तकरीबन हो गया है एंड एंड ऑफ द ईयर शूट करने का प्लान है। अब वो बदल जाए तो अलग बात है, बट अब तक तो हो गया। पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट, आपने बताया कि आपको जीरो नॉलेज नहीं है, जीरो इंटरेस्ट, जीरो नॉलेज, जीरो, क्योंकि जो डायरेक्टर हैं वो ढेर सारी पॉलिटिक्स फिल्में बनाते हैं। तो उनसे बात करो, मेरे से क्यों कर रहे हो? लोकसभा इलेक्शन भी आ रहा है, फिर तुम लगे हो चालू, तुम तो बंद ही नहीं होते। कोई कनेक्शन नहीं है पॉलिटिक्स से। मैं बस यही कहूँगा कि 18 जनवरी को फिल्म रिलीज हो रही है फ्रॉड से, यहाँ बहुत ही अच्छी फिल्म है एंड आई थिंक अब तक तो आप लोग मेरे को अच्छी तरह से जान चुके होंगे। जो फिल्म मुझे पसंद नहीं वो इंटरव्यू देख के पता चल जाता है कि इसको पसंद नहीं ये फिल्म। तो ये फिल्म वाकई में अच्छी है, बहुत स्क्रिप्टिंग और कहानी और एक्टर्स और एक नए तरीके की कॉमेडी, एक नए तरीके का सीन जो आप प्रोमो में भी आपने देखा होगा, वो उसके रोमांस करने का तरीका क्या है। आई थिंक मुझे लगता है आपने कहीं भी किसी भी बंदे को या किसी भी फिल्म में किसी को इस तरह रोमांस करते हुए नहीं देखा होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग है फिल्म। सौरव पर मैंने कुछ अजीब अजीब हरकतें की हैं जो आपने डेफिनेटली और किसी फिल्म में नहीं देखी होगी। सो प्लीज़ डू कम एंड सी इट, इट्स विल बी ग्रेट फन। आई हैव थरली इन्जॉयड डूइंग इट एंड यू विल थरली इन्जॉय वॉचिंग इट। फ्रॉड सैया 18 जनवरी, प्लीज़ कम एंड सी इट। पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या ढेरों सारे शादियां करने में? फिल्म की बात करो ना, नहीं रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं, तो कुछ जरा बता सकते हैं। तुम सारे उठपटांग सवाल ही पूछते हो मेरे। फिल्मों में इसका इसको पैसों की ज़रूरत है। फिल्मों में इस कैरेक्टर ने एक धंधा बनाया, इस कैरेक्टर को बहुत कम उम्र में एहसास होता है कि ज़िंदगी में इससे अच्छा धंधा नहीं है कि आप एक 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 लड़की को खुश करो, उसकी मांग में सिंदूर भर दो, बस उसके बाद वो फिर आपकी गुलाम हो जाएगी, वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। और ये लेसन जो है ये बहुत ही कम उम्र में इसको पता चलता है और ये बस वही करता है। ये रियलाइज़ करता है कि शादी कर लूँ और शादी के बाद वो लड़की जो है एकदम जो हमारी जो इंडियन औरत है वो जान निछावर कर देगी पति के ऊपर, और ये उसका फ़ायदा उठाता है और वहाँ से फिर अपनी कमाई इसकी शुरू होती है। ऐसे अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं, अगर आपको कोई अगर बुला दे अर्शद जी की जगह फ्रॉड लवर, तो क्या कुछ रिएक्शन होता आपका? अभी तक तो नहीं है क्योंकि पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई है। मेरे ख्याल से ये वो होगा कि जब पिक्चर रिलीज़ हो जाएगी और इंशाल्लाह अगर पिक्चर हिट हो जाएगी तो फिर लोग मुझे फ्रॉड बुलाना चालू करेंगे। तो मुझे ऐसे मेरे साथ ऐसी होता है, हर फिल्म के बाद लोग वो नाम से बुलाने लगते हैं, तो अब शायद फ्रॉड बुलाने लगेंगे। अच्छा, ऐसे जी सोशल मीडिया पर बात हो रही है कि इस फिल्म में, क्योंकि ये पाकिस्तानी एक्टर भी हैं, तो बात हो रही है कि उनको क्यों चूज किया गया? यार पहली बात तो मैं बताऊँ, हकीकत तो ये है कि मुझे अभी भी पता चला कि वो पाकिस्तानी है, मुझे नहीं मानता। जहाँ तक मेरा उससे इंटरेक्शन हुआ, हमको तो लगा कि वो एक कुवैती रेसिडेंस है, वहाँ की है, तो मुझे तो पता भी नहीं था पाकिस्तान। तो ये तो अभी हमको पता चल रहा है कि वो यहाँ के। अभी फिल्म के पहले हम थोड़ी किसी को पूछेंगे भैया पासपोर्ट दो अपना, तो यू रियली डोंट, आई हैड नो आइडिया। जहाँ तक हमको पता था, मुझे लगा कि वो कुवैत की रेसिडेंस है और हो गई फिल्म, अब एहसास हुआ है। बट आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। वो आज भी आई डोंट थिंक शी इज़ अ पाकिस्तानी रेसिडेंट, शी इज़ फ्रॉम कुवैत, आई थिंक ड्यूल सिटीजन है, पता नहीं, कुछ ऐसे ही चेक करें। कोशिश कर रही है आने की, आई थिंक उसका चल रहा है वीज़ा का प्रोसेस, इंशाल्लाह अगर हो जाए तो अच्छा है, वुड लाइक हर टू बी हियर फॉर प्रमोशन। जिस तरह पाकिस्तानी एक्ट्रेस को इंडिया में बैन किया, क्या वो ठीक था? मतलब अगर देखा जाए आपकी तरफ से, आपका क्या ओपिनियन? यार मुझे है ना, इसके मल्टीपल चीज़ें हैं। यू नो, कोई भी बाहर से जो लोग आते हैं ना, एंड यू टेक ओवर द जॉब्स एंड वर्क ऑफ अदर पीपल, तो आई मेरे को थोड़ी सी तकलीफ होती है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू हैव होल लॉट ऑफ डांसर्स जो आते हैं एंड देन फिर हमारे लोकल डांसर्स को काम नहीं मिलता, तो वो थोड़ा सा होता है तकलीफ। खैर, एनीवे।